कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हुए मानक अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास मुझे निष्कासित करने के अधिकार नहीं है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं। मेरे खिलाफ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने साजिश की है। एक बार फिर कांग्रेस के बीच कलह सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने प्रदेश कांग्रेस द्वारा खुद को निष्कासित किए जाने को सुरेश पचौरी की साजिश बताया है। उन्होंने कहा, गोडसे का विरोध मैंने अकेले नहीं किया, कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया है। कार्रवाई मेरे खिलाफ नहीं, बाबूलाल चौरसिया जो कि गोडसे समर्थक है उसके खिलाफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेटर मिलने के बाद इसकी जानकारी प्राप्त की गई तो चंद्र प्रभाष शेखर का कहना था कि कमलनाथ के असिस्टेंट मिगलानी के कहने पर सुरेश पचौरी ने चंद्रशेखर को बाहर करने के आदेश दिए हैं। सुरेश पचौरी सालों से मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते आए हैं, इसी के तहत आज मुझे कांग्रेस से बाहर करने की कोशिश की गई है। इलेक्टेड मेंबर हूं और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी और आईसीसी की अनुशासन समिति मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कोई अधिकार नहीं है। और बात सवाल इस बात का है कि गोडसे के समर्थक को पार्टी में लेने पर उसका विरोध करने, मैं ही नहीं, मेरे साथ में कई लोगों ने विरोध किया था, सभी एआईसीसी के मेंबर हैं। तो पीसीसी को इस मामले में कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। तो पीसीसी को गोडसे समर्थक को बाहर करना चाहिए। मुझे भी लोग कांग्रेस में 50 साल से काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के। अनुशासन समिति की मीटिंग के बाद में 4 लाइन की चिट्ठी आ गई, तो मैंने भारत सिंह को फ़ोन किया जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने बोला आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आपने देखा है कि एसीसी मेंबर के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो बोले मुझे नहीं मालूम, मैं पीसीसी में शेखर से बात करता हूँ। तो शेखर से 2-3 लोगों ने बात की, तो शेखर ने कहा कि मुझे तो, हमें तो मिगलानी जी ने फ़ोन किया था, इसलिए हमने ऐसा। नाइन टू फाइव जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नाइन टू फाइव जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाए बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।